प्रेमा कुकिंग में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी में लेके आई हूँ आलू बैंगन और टमाटर का चोखा बनाऊंगी, तो बहुत टेस्टी है, आप जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करना एक बार। अगर हमारा भरता आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करना ना। आज की रेसिपी में लेके आई हूँ चोखा यानी भरता, बैंगन आलू और टमाटर का भरता बनाऊंगी। तो देखिए मैंने इस तरह से प्याज छिल लिया, आलू छिल लिया है, इस तरह से आलू चार पाँच ठो आलू ले लिया है, चार गो हमने मीडियम टमाटर लिया है, और ये देखिए एक ठो मैंने बैंगन लिया है जो कि मैं इसमें डालूंगी। तो इन और देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, चार पांच ठो मैंने हरा मिर्ची लिया है, एक इंच तो अदरक का टुकड़ा है, आठ दस कलियां है लहसुन की, और ये देखिए हींग है, हींग का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें, और ये देखिए गरम सॉरी ये जीरा है मैं तड़का में डालूंगी, थोड़ा सा हल्दी डालूंगी कलर आने के लिए, और ये देखिए प्याज लिया हमने, दो प्याज है, इसको भी बारीक बारीक काटूंगी, तड़का लगाऊंगी इसका, और हरा धनिया है, नमक है, बस इतनी डालूंगी और इसमें कोई मसाला नहीं है। तो सादा चोखा बनाऊंगी, चोखा यानी भरता बनाऊंगी आलू और टमाटर बैंगन का। तो आइए अब हम इसको उबलने के लिए रखते हैं। ये देखिए हमारा पानी अच्छा से गर्म हो गया है, अब इसमें मैं आलू डालती हूँ। तो देखिए आलू मैंने पांच लिया है, इसको छील लिया है, इसलिए छील दिया है इसको कि इसको टमाटर के साथ हमें उबालना है, ताकि टमाटर उबलते समय फूट जाता है, इसी वजह से इसको हमने छील के डाला है कि इसका टमाटर फटने के बाद इसका। तो अब देखिए इसमें मैं और कुछ नहीं डालूंगी, एक बैंगन ली हूँ इसको भी डालूंगी। अब इसको हम ढक देते हैं, ढक के इसको उबलने देते हैं। ये देखिए पाँच मिनट हो गया है, अब इसको हम ढक्कन हटा लेते हैं। अब देखिए ढक्कन हटा दिया, अब देखिए कितना अच्छा मेरे टमाटर देखिए अच्छे से पक गया है। ये देखिए अच्छा से छिलका छोड़ दिया है टमाटर, और बैंगन भी होने पर आ गया है, और आलू भी होने पर आ गया है, देखिए इस तरह से है। तो अभी थोड़ी देर तक और रखते हैं हम इसको, थोड़ी देर और रखेंगे हम कम से कम ना, तो अभी टमाटर निकाल लेती हूँ क्योंकि टमाटर उबल गया है। इस तरह से सारे टमाटर निकाल लेंगे, टमाटर जल्दी होता है। पाँच मिनट हो गया है, अब ये देखिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए बैंगन भी हमारा हो गया है, ये देखिए छुरी डाल रहे हैं, देखिए पूरा तरह से छुरी गई, तो बैंगन भी हो गया है। अब देखिए चेक कर लेते हैं आलू को, ये देखिए आलू भी पूरा हो गया है। तो अब हम इसको निकाल के ठंडा कर लेते हैं। टमाटर हमारा पहले ही हो गया था, इसको निकाल लिया है, अब इसको भी ठंडा कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने आलू निकाल लिया है, आलू भी ठंडा हो रहा है, मेरा बैंगन भी ठंडा हो रहा है, और टमाटर भी ठंडा हो रहा है। तो अब ये ठंडा हो, जब तक से ठंडा होगा तब तक से मैं प्याज काट लेती हूँ, और लहसुन मिर्ची अदरक इनको कूट लेते हैं। ये देखिए मैंने उबाल लिया, उबाल के छील लिया, छील करके बीच में से इस तरह से काटा है ताकि इसमें कीड़े होंगे तो पता चल जाएगा, इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। और टमाटर भी चार ठो मैंने छील दिया है, और आलू भी, सब आलू तो पहले से छिला हुआ था, तो अब हम इसको मिला लेते हैं। अब देखिए अब इस तरह से हम सारे को मिला लेंगे ऐसे करके, आलू भी प्याज आलू भी और टमाटर सारे को ऐसे इस तरह से हमने मिला लिया, टमाटर आलू और बैंगन, चार टमाटर था, पांच आलू छोटे छोटे और एक बैंगन। तो अब हम इसको तड़का लगा लेते हैं। एक पैन में मैंने देखिए एक पैन में तेल रखा है, तेल भी सरसों तेल डाला है, वो भी गर्म हो गया है। तो अब देखिए इसमें मैंने एक चम्मच जीरा डालूंगी, अच्छे से जीरा तड़क जाए। अब इसमें मैं थोड़ा सा हींग डालूंगी। अब इसके बाद हम इसमें प्याज डालूंगे, देखिए बारीक बारीक मैंने एक बड़ी सी प्याज काट के रखा था और एक छोटी प्याज, अब इसको मैं डालूंगी, अब इसको ब्राउन होने तक भून, मीडियम आंच में भून रहा है। अब इसमें मैं कड़ी पत्ता था वो डाल दूंगी, कड़ी पत्ता हमेशा बाद में डालें क्योंकि ये डालने के बाद तड़कता बहुत तेज है, तेल में तो जलने का चांस होता है, तो इसीलिए ये प्याज। अब इसमें मैं अदरक मिर्ची और लहसुन जो कूटी थी इसको मैं डालूंगी इस तरह से, इसको भी मैं इसके साथ भूनूंगी। पहले नहीं डाला था इसलिए कि ये चिपक जाता है अदरक और लहसुन, तो प्याज नहीं भून पाते हैं, इसलिए मैंने इसको बाद में डाला है। अब इसको भी मैं भून लूंगी, मैंने पहले नहीं डाला था कि ये चिपकने लगेगा। तो अब इसमें मैं हल्दी डाल देती हूँ, तो ये देखिए को आधा चम्मच है, और
ये स्वाद के अनुसार अपना नमक है, जितना चाहे डालें आप, अपने स्वाद के अनुसार ही डालें नमक। अभी देखिए लाल मिर्ची है, अभी थोड़ा सा गरम मसाला है, तो हमने गरम मसाला भी डाल दिया, डाल के इसको चला लेंगे। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा जो अदरक लहसुन पीसा था उसमें से पानी धो के रखा था, तो ये रखे था, इससे इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब इसी के सहारे ये सब अच्छा से भून जाएगा, और इसको मैं एकदम बिल्कुल मीडियम आंच में करके भूनूंगी। ये देखिए अच्छा से मेरा भून रहा है, लहसुन मिर्ची अदरक के साथ ही मैंने थोड़ा सा गर्म मसाला हल्दी डाल दिया था, अब सब के सब अच्छे से भून गया। अब सब कुछ भून गया अच्छे से, अब इसमें मैं जो भरता बनाई हूँ इसको डाल दूंगी। इस तरह से एक बैंगन डाली हूँ, चार टमाटर और पांच को छोटा छोटा आलू। अब इसी तरह मैं पूरे को डाल के मिला लेती हूँ। अब देखिए इस तरह से हमने मिला लिया सबको अच्छा से। अब इसको हम 5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम आंच में इसको करके ढक दूंगे कि ताकि मिर्ची मसाला सब इसमें मिल जाए। अभी देखिए 5 मिनट हो गया, अच्छा से हमारा ये मिल गया। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया पत्ता। ये देखिए धनिया पत्ता हमने लिया है, इसको मैं इसमें डाल के मिला लेती हूँ। अब गैस को हम बंद कर देते हैं, गैस बंद कर दिया। अब हम इसको अच्छे से इनको मिला लेंगे। अब हमारा भरता तैयार हो गया, को हम आपको सर्व करके निकाल के दिखाती हूँ। सर्व करके आलू और टमाटर का भरता इस तरह से हमने बनाया है दोस्तों, बहुत अच्छी बनती है। आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें एक बार। अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो लीजिए अब हम आपको गर्मा गर्म आलू का चोखा या भरता जो भी कहें। देखिए हमारा बैंगन आलू और टमाटर का भरता तैयार हो गया है, तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं इसको। लिट्टी के साथ खा सकती हैं, बाटी के साथ खाएं इसको, और चावल दाल के साथ भी अच्छा लगता है, और खिचड़ी के साथ और भी अच्छा लगता है। तो आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। अगर हमारा ये चोखा आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।